सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपके लिए स्लीव्स का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे एंकर के धागे के साथ में डिजाइन करते हुए तैयार करेंगे और पाइपिंग लगाते हुए तैयार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये हमने एंकर का धागा लिया हुआ है और ये हमने बटन लिए हुए हैं, बटन भी हमें लगाने हैं। और पाइपिंग के लिए हमने कोई भी ब्लैक कलर का कपड़ा लिया हुआ है क्योंकि ब्लैक कलर से ही हमने डिजाइन तैयार करना है, तो ब्लैक ही हम पाइपिंग के लिए कपड़ा लेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी जो नॉर्मल बाजू होती है उसकी कटिंग कर लेनी है जितनी आपको लेंथ चाहिए होती है स्लीव्स की। अब हमें यहाँ पे जो डिजाइनिंग डालनी है, जितनी हमारी लेंथ होती है लेंथ का हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद जो पहला जो निशान लगाएंगे तकरीबन हम 4.5 इंच के ऊपर लगाएंगे, जो दूसरा निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 8 से 8.5 इंच के ऊपर। अब हमें यहाँ पे शेप डालनी है, जो हमने ये वाला निशान लगाया है यहाँ पे इस प्रकार की शेप डालेंगे इस तरीके से, और यहां से हम इस प्रकार की शेप डालेंगे। और यहां से छोटी शेप आएगी हमारी ऐसे, तो ये सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरीके के हम यहां पे तीन पत्ती टाइप, जैसे ऐसी गोलाई देते हुए पत्ती टाइप निशान लगाएंगे। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने यहां पे कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब जो बीच वाला ही पीस हमारा बचता है इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं और एक कपड़ा अलग से कटिंग करते हैं। इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसी साइज का एक कपड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने नीचे की साइड एक कपड़ा रखते हुए ये कटिंग कर ली है। दोनों साइड में हमारा मार्जिन रहना चाहिए काफी सारा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1/2 से 1.5 इंच मार्जिन हमने छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग की है। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, इससे हमें प्रॉपर पता लग जाएगा हमने यहाँ पे कितना कटिंग किया हुआ है। ये हमने यहाँ पे निशान अपने लगा लिए हैं। अब हमें पेपर फ्यूज लेनी है, पेपर पेस्टिंग, और इसके ऊपर पेस्ट करनी है इस साइड में। तो दोस्तों पेपर पेस्टिंग इस तरीके से हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें फिर से यहाँ पे ये पीस रखना है ऐसे, जो हमने यहाँ से कटिंग किया था, और यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट बना लेना है। जैसे ये बड़ी पत्ती है तो इसका भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे, छोटे वाली का भी सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, और जो ऊपर वाली है इसमें यहाँ पे 1/2 इंच इस पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं। इससे हमें प्रॉपर यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। आप चाहे तो हल्का हल्का फिर से निशान लगा ले, जैसे आपकी इच्छा है। निशान दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखो जो हमारी सिलाई जानी चाहिए, जैसे हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ से हम सिलाई को लेके जाएंगे इस तरीके से। ये हमारी एंकर के धागे की सिलाई होगी जो कि यहाँ पे ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे मिलेगी। फिर जो दूसरी सिलाई आएगी यहाँ पे इस पॉइंट से हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का सा गैप रखते हुए यहाँ पे आएगी, इधर भी और इधर भी। तो जैसे जैसे यहां पे सिलाई लगती जाएगी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लगाते हैं पूरी
मशीन के ऊपर समझाएंगे। ये मैंने थोड़े से आपको आइडिए के लिए निशान लगा के बताए हैं। निशान लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब हम यहाँ पे सिलाई का काम करते हैं। तो अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं डिजाइन बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग का काम करेंगे। तो जो हमने ये बाजू कटिंग की हुई है इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए जो मैंने आपको ब्लैक कलर का कपड़ा दिखाया था उसमें से हम और ए वाली पट्टी कटिंग कर लेते हैं, जो कि तिरछी पट्टी जिसको बोलते हैं। ऐसे ये हमें पाइपिंग लगाने में बिल्कुल आसानी से गोलाई में बैठ जाती है, इसलिए और एब की ही पाइपिंग लगाई जाती है। यहाँ पे सेंटर वाले जो कट है इसमें रखेंगे ऐसे। जो सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ाई वाली लगाएंगे। तरीके से यहाँ पे पाइपिंग आ जाएगी हमारी सीधी साइड में। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जो नीचे की साइड का मार्जिन जो होता है ये वाला, इसमें हम हल्के हल्के ऐसे कट लगा लेते हैं। हल्के हल्के कट लगाने हैं और अब इसको हम यहाँ पे जितनी चौड़ाई बाहर की हमें पाइपिंग की दिखानी होती है उतनी यहाँ पे दिखानी है और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसका हल्का हल्का जो मार्जिन होता है वो छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दे देते हैं ऐसे। यहाँ पे इतना मार्जिन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अब हमें ऊपर की साइड पाइपिंग निकालनी है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से रखेंगे पट्टी को और एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। हल्के हल्के कट लगाएंगे यहाँ पे भी क्योंकि गोलाई है यहाँ पे भी। और फिर से सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे भी हमारी पाइपिंग ऐसे हो जाएगी और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कटिंग करेंगे। सिर्फ आधा इंच ही कपड़ा रखना है हमें यहाँ ऐसे। तो ये पॉइंट भी हमारा तैयार हो जाता है। अब जो नीचे वाला भाग है ये भी सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। हल्के कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे भी इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे ऐसे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। तो दोस्तों तीनों जो होते हैं यहाँ पे, इनमें तीनों में हमने पाइपिंग निकाल ली है जो तीनों गहराई होती है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की जो बाजू होती है उसमें भी तीनों साइड में यहाँ पे गहराई अपनी कंप्लीट कर ली है पाइपिंग लगाते हुए। तो शेप हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे एंकर के धागे का काम करना है। तो एंकर के धागे का काम करेंगे हम जो इसके बीच में हमने पीस अटैच करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सिलाई की शुरुआत करेंगे, जो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे निशान लगाया था इसी पॉइंट से सिलाई की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे ये सिलाई जो लेकर के आएंगे इस तरीके से लेकर के आएंगे ऐसे इस पॉइंट में और इधर वाली इस पॉइंट में ऐसे। नीचे की साइड हमने एंकर का धागा यहाँ पे डाल लिया है। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमें ये सिलाई मिलानी होती है। अब हम यहाँ पे हल्का गैप रखेंगे तकरीबन 2 से 3 टांकों का। इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे गैप रखते हुए कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड देखेंगे तो सीधी साइड हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें यहाँ पे फिर से जितना गैप रखा है हमने यहाँ पे इतना ही गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 3 सिलाई हमने लगा ली है एक साइड की। अब सेम इसी तरीके से हम 3 सिलाई दूसरी साइड में लगाते हैं। तरीका यहाँ पे सेम होगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सिलाई की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब रह जाती है हमारी छोटे वाली, ये जो ऊपर की जो मेन बड़े पीस होते हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब छोटे पीस जो हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम तरीका यही होगा। यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लेकर के आएंगे और इस पॉइंट से जहाँ पे ये हाफ होगा यहाँ पे ऐसे उतारेंगे, इस तरीके से उतारेंगे, और इधर से भी ऐसे ही लेकर के आएंगे और यहाँ पे भी ऐसे उतारेंगे। यहाँ पे आपकी 2 सिलाई लगती हो 2 लगानी है, 3-3 लगती हो तो 3-3 लगानी है। तो सेम इसी तरीके से इस साइड में भी हम यहाँ पे काम कंप्लीट कर लेते हैं एंकर के धागे का। तो दोस्तों एंकर का काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमने बाजू की दोनों साइड होती है उनको अटैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रख के देखेंगे कहीं पे कोई फर्क ना आए। दोनों साइड की जो ये बाजू होगी इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे और प्रॉपर शेप में रख के चेक करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्क आ जाएगा तो हमारी सारी डिजाइनिंग फिर खराब हो जाएगी। जितना हमने मार्जिन यहाँ पे कटिंग किया था सेम उतना ही मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से आएगी हमारी बाजू, ये तो बिल्कुल ओके आएगी। तो यहाँ पे हम एक साइड करते हुए सबसे पहले एक बाजू, एक साइड की बाजू अटैच करेंगे, फिर दूसरी साइड की बाजू अटैच करेंगे।
अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच करते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक साइड यहाँ पे ज्वाइंट की थी, सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए और तैयार कर ली है बाजू, और ऊपर हमने डबल सिलाई लगाई है एक पैर चौड़ाई वाली। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारी यहाँ पे पाइपिंग होगी, ऐसे बिल्कुल बारीक यहाँ पे भी पाइपिंग निकाल लेनी है, और ऊपर की साइड सेंटर पॉइंट में 3 बटन लगाने हैं, टॉप पे हमें 2 बटन लगाने हैं, और नीचे की साइड हमने यहाँ पे 1 बटन लगाया है। तो बहुत ही प्यारा सा दोस्तों यहाँ पे एंकर के धागे से और बटन के साथ में हम यहाँ पे ये बाजू का डिजाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।